रहमान रहीम, आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी का सिलसिला है, उसकी किताब है स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, तो परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए। उसके चैप्टर 6 पे हम चैप्टर 6 में उन्होंने 6 तरीके बताए हैं कि परेशानी और थकावट से निजात दिलाने के 6 तरीके। एक हमने प्रीवियस किया था, पिछले हफ्ते किया था, उसमें था कि आपकी ज़िंदगी में आराम की कदर, तो उसमें हमने कुछ टिप्स थे उन्होंने दिए थे कि आप अपनी ज़िंदगी को यकीनी बनाएं और इस हकीकत को माने कि अगर आप 40 से अबव एज में आ गए हैं तो आप अपने पूरे दिन में जब भी जिस वक्त अपने काम से आते हैं या कुछ लम्हात आपको मिलते हैं तो आप थोड़ा सा आराम कर लें, वरना ये होगा कि आप अपने फैमिली पर, अपने बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी पर भी। तो आज उनका दूसरा है परेशानी और थकावट से निजात दिलाने के लिए, उसमें कहते हैं अपने आराम को यकीनी बनाइए। उसमें उन्होंने वैल्यू कदर बताई थी, अब कहते हैं यकीनी बनाइए। तो अब कहते हैं कि मुख्तलिफ साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी में आराम को यकीनी नहीं बनाएंगे तब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ज़िंदगी बहुत थकावट से भरपूर होगी और डिस्टर्ब रहेगी। कहते हैं कि आप एक मज़दूर को ले लें, वो सारा दिन काम करता है और कभी कभी आपने देखा होगा उसे थकावट महसूस नहीं होती। तो कहते हैं कि माहिर नफ्सियातदान इस बात पर पहुँचे हैं कि आपकी बॉडी सिर्फ थकती नहीं है, आप जब अपने जहनी तौर पर काम करते हैं तो आपका जहन उस थकावट को ले उड़ता है और फिर थकावट शुरू होती है। उसकी एग्जांपल देते हैं कि अगर आप किसी मज़दूर के जिस्म से खून निकाल देंगे तो मज़दूर फिर भी हरकत करता रहेगा और अपने आप को थकावट में महसूस नहीं करेगा, मगर आइंस्टाइन के कहते हैं कि आप उसके जहन से, रगों से खून निकाल दें तो थोड़ी देर के बाद वो थकावट महसूस करना फील कर लेगा। तो कहते हैं अब माहिर नफ्सियात एक एडमंड बैरल हैं, तो वो कहते हैं कि उन्होंने ये नतीजा निकाला कि थकावट आपके जहन से शुरू होती है, उसके बाद फिर आपके जिस्म में शिरकत करना शुरू कर देती है। जब भी आप जहनी ऐसा भी तनाव का शिकार होते हैं तो थकावट का दौरानिया वहाँ से शुरू होता है। विलियम जेम्स बड़े माहिर नफ्सियात हैं, कहते हैं विलियम जेम्स कहते हैं कि अमेरिकियों की ये आदत है कि अपने ऊपर जहनी तनाव तारी कर देते हैं और फिर वो थकावट का शिकार होना शुरू कर देते हैं, इसलिए कम से कम जहनी थकावट और सख्ती से दूर रहिए। जब तक आप जहन पर जोर देंगे तो ये थकावट वहाँ से शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर आपके जिस्म से शुरू होना शुरू हो जाएगी। एक फीमेल नावल निगार हैं, उसका बताते हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि एक दिन मैं जब कुछ बच्ची थी, यानी 15-16 साल की उम्र तक जब बलोगत में आ रही थी, तो कहती हैं कि मैं मार्केट में जा रही थी तो अचानक गिर गई तो गिरने से मेरे घुटनों पर भी ज़ख्म आए और बाजों पर भी ज़ख्म लगे। तो कहती हैं किसी बूढ़े शख्स ने, तजुर्बार शख्स ने मुझे उठाया और पानी के छींटे मारे और मुझे फ्रेश किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में लगता है अपने आप को आराम का यकीनी तौर पर महसूस बनाया ही नहीं है, अपने आराम को यकीनी बनाया ही नहीं है, आप कभी दिन में सोई नहीं है, इसलिए वो पूरी थकावट आपके जहन से लेकर जिस्म में उतरी है, इसलिए आप गिर गई है। तो कहते हैं वो फीमेल राइटर जो थी, उन्होंने अपने ज़िंदगी का ये वतीरा बना लिया कि दिन में कोई भी वक्त मिलता है तो मुझे आराम करना चाहिए। एक तस्वीर बड़ी ज़बरदस्त कहती हैं, लिखा है उन्होंने, कहती हैं कि उस बूढ़े शख्स ने मुझे बताया कि इस उम्र में आपको एक पुराने जुराब की तरह होना चाहिए, सॉक्स की तरह होना चाहिए। वो ओल्ड सॉक्स जो होता है वो बहुत लचकदार होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आप जब आराम करते हैं तो एक जुराब की मानंद हो जाते हैं, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है और एक नरम जुराब की तरह महसूस करना शुरू करते हैं। एक तहकीक डेल कार्नेगी और बताते हैं, कहते हैं जोगियों का भी यही उसूल है और जोगी यही कहते हैं कि आपने कभी बिल्ली को देखा है, एक बिल्ली जब काम करती है, दौड़ती है, खाती है तो अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ झपटती है, उसके बाद खाने के बाद वो रिलैक्स होकर सो जाती है, उसके बाद दौड़ धूप नहीं कहती। और आप देखें कि एक बिल्ली का जिस्म पूरा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत नरम होता है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज हमें बताती है कि उसके जहन पर कोई ऐसा भी तनाव नहीं है। उसके बाद डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप ज़िंदगी में 3-4 ये उसूल अपनाइए और आराम को यकीनी बनाइए, आप अपने आप को पुराने जुराब की तरह महसूस करें
और इस तरह आप अपना बिहेव करें कि आपका पूरा जिस्म ओल्ड सॉक्स की तरह लगे। उसके बाद एक बिल्ली से सबक लें, आप दूसरे जानवरों को देखें, कुत्ते को देखें, किसी और को देखें, वो जिस तरह दौड़ धूप करता है, तो कहते हैं डॉक्टर्स ने ये मुशाहदा किया है कि उनका जहन ऐसा भी तनाव से भरपूर होता है, मगर बिल्ली का जहन कभी भी नहीं थकता, उसकी बॉडी लैंग्वेज कभी भी नहीं थकती। उसकी तरह अपने आप को फ्लेक्सिबल करें और आराम को यकीनी बनाकर अपनी सेहत पर रहम करें। ये सेहत आपको आगे चलकर बहुत लंबी उम्र देगी और आप वो काम कर सकेंगे जिनका आप सिर्फ सोच सकते हैं, और वो इम्प्लीमेंट आपकी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।